हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द एजुकेशन चैनल आई एम बैक एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फिफ्थ चैप्टर ऑफ फिफ्थ क्लास ट्यूलिप इंग्लिश बुक वंडरफुल बैड आई हैव रेड द होल चैप्टर फॉर यू इन माय प्रीवियस थ्री वीडियोस मैंने अपने प्रीवियस थ्री वीडियो में आपके लिए पूरा चैप्टर रीड किया है एंड टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे समझेंगे सो लेट्स कंटिन्यू

बट इन द लास्ट टू इंटर स्कूल गेम्स इज स्कोर है लेकिन लास्ट टू इंटर स्कूल गेम्स में ऐसे गेम्स जो की स्कूल के बीच में ही खेले गए थे उसमें रणजी का स्कोर पुअर था नाव यूरमाइंड टू मेक इन टू टेक इज साइड टू विक्ट्री लेकिन अब उसने निश्चय कर लिया था वो डिटरमाइंट था की वो अपनी साइड को विक्ट्री दिलाएगा और रन बनाएगा रणजी प्रिपेयर टू फेस द बॉलर रणजी बॉलर को फेस करने के लिए प्रिपेयर होता है तैयार होता है द बॉल केप थ्रू शार्पली टू स्ट्राइक रंजी ऑन इज पैट और बॉल बहुत शार्पली आती है और रनजी को पैट पर स्ट्राइक करती है हाउ इज द बॉलर हॉपिंग अबाउट लाइक ए कैंगर तेजी से चिल्लाता है हाउ इज दैट और वो कैंग की तरह हॉप करता है उछलता है द अंपायर स्लोली रेस्ट ए फिंगर आउट इज सेड अंपायर स्लोली अपने फिंगर को रेस कर देते हैं और कहते हैं इट इज आउट ये आउट है इट वॉज रनजी टर्न टू वॉक बैक टू द शेड और अब रणजी को फिर से शेड की तरफ पेविलियन की तरफ जाना पड़ा द मैच वॉज वन बाय द विजिटिंग टीम द कोच वॉज स्टर्न और विजिटिंग टीम मैच जीत लेती है जो बाहर की टीम थी वो मैच जीत जाती है द कोच वॉज स्टर्न कोच बहुत स्टर्न थे मीन उनका जो रवैया था वो बहुत रूखा था

वो बहुत अपसेट था वेन एन इम्पोर्टेंट गेम हैड कम अलोंग ही हैड फेल टू मेक ए बिग स्कोर जब एक इम्पोर्टेंट गेम उसके सामने आया तो वो बड़ा इसको बनाने में कामयाब नहीं हुआ ही कुडंट द थॉट ऑफ नॉट बींग ए पार्ट ऑफ द स्कूल टीम और वो ये सोच भी नहीं सकता कि उसे स्कूल टीम में नहीं लिया जाएगा ऑन हिस वे होम हियर टू पास द क्लॉक टावर वेयर ही ऑफन स्टॉप एट मिस्टर कुमार स्पोर्ट्स शॉप टू लोकेट ऑल द थिंग्स ऑन दुटबॉल तो जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे क्लॉक टावर की तरफ से पास करना पड़ा जहा पे वो मिस्टर कुमार की स्पोर्ट शॉप पे रुका करता था और वहां सेल्फ में रखी हुई सारी चीजों को फुटबॉल्स क्रिकेट बॉल्स बैडमिंटन रैकेट्स को देखा करता था यह उसके लिए वंडरलैंड जैसा था जहाँ की रंजी लिंगर किया ही करता था रुका ही करता था बट ऑन लाइक लुकिंग एट देम लेकिन आज उसका मन नहीं था he was about अबाउट टू क्रॉस द रोड Mr. मिस्टर voice वॉइस him। और वो रोड क्रॉस करने वाला था जब मिस्टर कुमार की वॉइस उसे रोक लेती हेलो रंजी ऑफ एन ए हरी टूडे एंड वाई आर यू लुकिंग सो सैड हेलो रणजी आज तुम बहुत जल्दी में हो और तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो सो रणजी है रणजी को रोकना पड़ा ही कूडंट इग्नोर मिस्टर कुमार हुन काइंड एंड हेल्पफुल क्यूंकि वो मिस्टर कुमार को इग्नोर अनसुना नहीं कर सकता था जो की हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया करते थे मिस्टर कुमार हेडवी ने स्टेट लेवल प्लेयर बंस

जैसे ही रंजी शॉप के अंदर आता है वी लॉस द मैच से रंजी रणजी कहता है कि हाँ हम हाँ, मैच हार गए नेवर माइंड कि चिंता की कोई बात नहीं है वुडन बी एनी गेम्स विदाउट कोई गेम लॉसर्स के बिना तो नहीं खेला जाता हर गेम में जीत और हार होती है और कोई ना कोई हारता ही है एनी वे हाउ मैनी रंस डिड यू मेक एनीवे anyway, वे ये बताओ कि तुमने कितने रन बनाए नन रणजी कहता है कि मैं तो जीरो पे आउट हो गया मैंने कोई रन नहीं किए मिस्टर कुमार रेस्टेड इज हैंड ऑन रनजी शोल्डर तो मिस्टर कुमार अपना हैंड रणजी के शोल्डर पे रखते हैं और कहते हैं ऑल गुड प्लेयर्स हैव ए बैड डे नाउ एंड देन कि सभी प्लेयर्स के अच्छे और बुरे दिन आते ही हैं बट आई मेड ए गुड स्कोर इन माय लास्ट थ्री मैचेस सेड रनजी लेकिन रणजी कहता है कि मैंने अपने लास्ट थ्री गेम्स में अच्छा स्कोर नहीं किया है आई विल बी ड्रॉप फ्रॉम द टीम इफ आई डोंट डू समथिंग इन द नेक्स्ट गेम और अगर मैं नेक्स्ट गेम में भी स्कोर नहीं कर पाया तो मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा वी कांट लेट दैट हैपन म्यूज मिस्टर कुमार लेकिन मिस्टर कुमार कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट इट तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा आई एम जस्ट अनलकी सेट रंजी रंजी कहता है कि मैं अनलकी हूं मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा है मे बी बट इन इट्स द टाइम टू चेंज योर लक नाउ जस्ट कम आई विल सी इफ आई कैन डू लक मे बी ऐसा हो सकता है लेकिन इस केस में अब समय आ गया है कि तुम्हारे लक को चेंज किया जाए चलो तो मेरे साथ शॉप के पीछे चलो और हम देखते हैं कि तुम्हारे लक को चेंज करने के लिए कुछ किया जा सकता है क्या पजल्ट रंजी फॉलोड मिस्टर कुमार। रंजी पजल था उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो मिस्टर कुमार को फॉलो करता है उनके साथ चलता है। He found himself in a poorly lit room, stuck to the ceiling with all kinds of old sporting goods। और वो अपने आप को एक पूर्वली लेट रूम में पाता है। एक ऐसे रूम में जहाँ कम रोशनी थी और वो सीलिंग से जुड़ा हुआ था। और इस रूम में सभी टाइप के ओल्ड स्पोर्टिंग गुड्स रखे हुए थे खेल का पुराना सामान रखा हुआ था मिस्टर कुमार बिगेन एग्जामिनिंग ए नंबर ऑफ ओल्ड क्रिकेट बैट्स और मिस्टर कुमार अब कई ओल्ड क्रिकेट बैट्स को एग्जामिन करते हैं उनकी जांच करते हैं धैनी पिकटअप बन और उसके बाद वो एक पिक करते हैं और अंजी से कहते हैं आह इसे तुम ले लो दिस इज इट ही हीट वो कहते हैं दिस इज इट दिस इज द बैट दैट आई मेड ए सेंचुरी बैट ए सेंचुरी विद यही वो बैट है जिससे मैंने सेंचुरी बनाई थी ऑफ कोर्स इट्स एन ओल्ड बैट बट इट हैज लॉस्ट एनी ऑफ इट्स मैजिक ऑफ कोर्स ये एक पुराना बैट है लेकिन इसने अभी भी अपना जादू नहीं खोया है ये मिस्टर कुमार कहते हैं ही हेल्ड इट आउट टू रंजी और वो इसे रंजी को दे देते हैं हेयर टेक इट आई विल लैंड इट टू यू लो मैं इसे तुम्हें उधार दे रहा हूं रंजी took the बैट and गेज एट इट इन ऑफ एंड डिलाइट रंजी बैट को लेता है और उसकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखता है इट इज रियली द बैट दैट यू मेड ए सेंचुरी विद ही आस्ट और वो पूछता है कि यही वो बैट है जिससे आपने सेंचुरी बनाई थी इट इज सेड मिस्टर कुमार मिस्टर कुमार कहते हैं कि हाँ यही है एंड इट मे गेट यू ए हंड्रेड रन टू और इससे तुम भी सेंचुरी बना सकते हो रंजी इज ए नर्वस वीक वेटिंग फॉर सैटरडेज सैटरडेज मैच रंजी अब सैटरडे मैच को वेट करते हुए एक नर्वस वीक गुजारता है वो पूरे वीक पूरे सप्ताह बहुत नर्वस रहता है स्ट्रॉन्ग साइड फ्रॉम अनादर टाउन उसकी जो स्कूल टीम थी वो दूसरे टाउन की एक स्ट्रॉन्ग टीम से खेलने वाली थी एट लास्ट सैटरडे राइट ब्राइट एंड सनी एंड जस्ट राइट फॉर क्रिकेट एट लास्ट सैटरडे आ जाता है और ये ब्राइट और सनी डे था आसमान साफ था सूरज निकला हुआ था और क्रिकेट के लिए बिल्कुल सही था सूरज द टीम कैप्टन वॉन द स्कूल कैप्टन था वो स्कूल के लिए टॉस जीत लेता है और पहले बैटिंग करने का डिसाइड करता है द ओपनिंग बैट्समैन मेक थर्टी रन स्ट्रेडली ओपनिंग बैट्समैन स्ट्रेडली अच्छी खासी स्पीड से थर्टी रन बना लेते हैं द विजिटिंग फास्ट बॉलर मच और जो फास्ट बॉलर्स थे वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाते द स्पिन केम ऑन एंड देयर चेंज और उसके बाद स्पिन बॉलर आते हैं और इमीजिएटली चेंज हो जाता है टू विकेट फेल इन वन ओवर एंड द स्कोर वॉज थर्टी थ्री फॉर टू एक ओवर में ही दो विकेट गिर जाते हैं और अब स्कोर थर्टी थ्री पर टू विकेट था सूरज मेड ए फ्यू क्विक रन सूरज कुछ क्विक रन बनाता है जल्दी जल्दी स्कोर करता है लेकिन फिर वो भी आउट हो जाता है द नेक्स्ट बैट्समैन क्लीन बोल्ड फोर्टी सिक्स रन पे चार विकेट गिर गए थे और अब रनजी बैटिंग करने के लिए पहुंचता है ही वॉक स्लोली टू द विकेट वो स्लोली विकेट की तरफ आता है ही प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट बॉल वो फर्स्ट बॉल के लिए प्रिपेयर करता है तैयार होता है द बॉलर took a short run and then the ball was twirling towards Ranji. Ball ek short run up leta hai aur ball ghumti hui Ranji ki taraf pahunchti hai. Ranji felt a thrill running through his arm as he felt the ball meet the springy willow of the bat. Aur Ranji bahut thrill feel karta hai. Wo bahut उत्सुक हो जाता है जैसे ही जो ball है वो उस bat के willow को touch करती है उसके बीच में लगती है Crack. The ball hit firmly, speed towards the boundary, four runs. Ball bat को touch करती है और boundary की तरफ चली जाती है, four runs. Ranji swung the next ball to the onside boundary for another four. Ranji अब next ball को भी onside boundary पर four runs के लिए hit कर देता है. But this was just the beginning. लेकिन ये तो शुरुआत वर्थी. Now Ranji begin to play all the strokes he knew. अब Ranji अपने सारे strokes खेलने लगता है, जो कि वो जानता था. The rival captain tried all his bowlers, but none of them could stand up to Ranji, who sent the fielders scampering all over the field. <audioan> और rival captain जो opposition team का captain था वो अपने सारे bowlers को try कर लेता है लेकिन कुछ नहीं होता और Ranji fielders को लगातार पूरी field में scampering करवाता है means वो तेजी से boundary को रोकने के लिए घूमते रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता सो फ्रेंड्स आई हैव रेड फर्स्ट थ्री पेजेस ऑफ दिस चैप्टर इन दिस वीडियो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द रिमेनिंग चैप्टर इन अ नेक्स्ट वीडियो टिल देन इट्स बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बाय